सब्सक्राइब कीजिए नूर एन साहिर को ऐतिहासिक और बायोग्राफिक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सुल्तान मुराद अव्वल 1359 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान और बादशाह रहे। वो ओवर खान अव्वल के साहिबजादे थे जो बाज़ेंटीनी शहज़ादी हेलन के पेट से पैदा हुए और 1359 ईस्वी में अपने वालिद की वफ़ात के बाद तख्त नशीन हुए। उन्होंने नए फतह करदा शहर अदरना को दारुल हुकूमत करार देकर यूरोप में उस्मानी पेशकदमी को मजबूत किया और बलकान का ज़्यादातर इलाका उस्मानी सल्तनत में शामिल किया और बाज़ेंटीनी हुक्मरान को खराज देने पर मजबूर किया। सुल्तान मुराद अव्वल पहले हुक्मरान थे जिन्होंने आले उस्मानी को पहली बार सल्तनत उस्मानिया में तब्दील किया। उन्होंने 1383 ईस्वी में सुल्तान का लक़ब हासिल किया और यनीचरी और देव शर्मा का निज़ाम और दीवान तश्कील दिया। उन्होंने सल्तनत को दो सूबों अनातोलिया और रोमेली में तकसीम किया। उनके दौरे हुकूमत में मौजूदा बल्गारिया का दारुल हुकूमत सोफिया सल्तनत उस्मानिया में शामिल हुआ। उन्होंने पहली जंग कोसोवो में बलकान की मसीही फौजों को शिकस्त दी। वो जंग के खात्मे के बाद एक ज़ख्मी फौजी के हमले में शहीद हुए।